कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस। थोड़ा चीजों को सुनिएगा क्योंकि आपको हम लिखवाएंगे, अपना लिखेंगे थोड़ी। कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है? जनरल भाषा में अगर बोला जाए तो रिएक्शन उधर खुद ब खुद होने का कोशिश करता है जिधर उसका रैंडमनेस बढ़े। जैसे आप पानी में इंक एक बूंद डाल देते हैं, खुद ही स्प्रेड कर जाता है, लेकिन स्प्रेड किया हुआ इंक खुद से समेट के एक बूंद नहीं बन जाएगा, खुद से स्प्रेड करता है क्योंकि वहां स्प्रेड होने से उसका एंट्रोपी बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ता है। तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन दैट डायरेक्शन इन विच रैंडमनेस इंक्रीजेस। चलिए सर, ठीक है, वेरी गुड, समझ गए। तो सर अगर आप इस चौक को छोड़ते हैं तो चौक नीचे गिर जाता है खुद से। अब अगर ये नीचे गिर जाता है तो इस बार कौन सा रैंडमनेस बढ़ गया? नहीं भाई, यहां रैंडमनेस से आप आंसर नहीं दे सकते। तो यहां क्या है, दूसरा ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एनी प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस इन दैट डायरेक्शन वेयर एनर्जी डिक्रीजेस। कोई भी एक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है किस डायरेक्शन में? जिधर एनर्जी घटता है। चलो दो फैक्टर आ गए, स्पॉन्टेनियस उधर होगा जिधर रैंडमनेस बढ़ता है, और स्पॉन्टेनियस उधर होता है जिधर एनर्जी घटता है। लेकिन इसका एक्सेप्शंस बोलो या अपोजिंग नेचर भी होता है। जैसे पानी इवापोरेट करता है, आप जानते हैं पानी इवापोरेट करता है। अच्छा, इवापोरेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। आराम से सोच, कुछ भी मत बोलो, सोच। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अगर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब हीट इज गेन। तो हीट अगर गेन होगा तो एनर्जी घटा तो नहीं, एनर्जी बढ़ा, फिर स्पॉन्टेनियस कैसे? रैंडमनेस बढ़ गया। इस बार तुम इस फेनोमेनन के स्पॉन्टेनिटी का एक्सप्लेनेशन एनर्जी से नहीं दे सकते, किससे दोगे? रैंडमनेस। एनर्जी तो चाहता है कि वेपराइजेशन या इवापोरेशन ना हो, एनर्जी चाहता है इवापोरेशन ना हो क्योंकि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी बढ़ रहा। लेकिन रैंडमनेस चाहता है कि इवापोरेशन स्पॉन्टेनियस हो। अब मान लीजिए जैसे दो को स्टूडेंट में लड़ाई स्टार्ट, आप लोग देखते भी ठीक है, एक उन्हें तो जीतेगा ना, जो मजबूत होगा जीतेगा। तो उसी तरह अगर मान लीजिए रैंडमनेस चाहता है कि स्पॉन्टेनियस हो, एनर्जी चाहता नहीं हो, और रैंडमनेस मजबूत है तो होगा, अगर एनर्जी मजबूत होता नहीं होगा। क्लियर है? तो जब दोनों अपोजिट में रहेगा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल डिसाइड वेदर दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। अगर दोनों एक ही तरफ है कोई बात नहीं, स्पॉन्टेनियस, दोनों चाहता है स्पॉन्टेनियस ना हो, नहीं होगा। दोनों चाहता है स्पॉन्टेनियस हो, होगा। अब दोनों, एक चाहता है स्पॉन्टेनियस हो, एक चाहता नहीं, तो देखना होगा कौन ज्यादा मजबूत है। अगर ये जो स्पॉन्टेनियस करना चाहता वो अगर है ना मजबूत है तो वैसे केस में प्रोसेस इज सेट टू बी स्पॉन्टेनियस, और अगर नहीं करने वाला मजबूत है तो प्रोसेस इज सेट टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? तो रैंडमनेस और एनर्जी का जो रिजल्टेंट तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। रैंडमनेस और एनर्जी का जो रिजल्टेंट तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। जिस डायरेक्शन में ड्राइविंग फोर्स होगा रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन दैट डायरेक्शन। क्या जी आलोक कुमार, तुमको तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला? यस सर। चलो थोड़ा लिखो फटाफट, लिखो लीजिए। फर्स्ट में लिखना, फर्स्ट पॉइंट में लिखना, एनी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन रैंडमनेस, इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन रैंडमनेस। ब्रैकेट में लिखो आर, आर फैक्टर, इसको आर फैक्टर कहेंगे, रैंडमनेस फैक्टर, ठीक है, R factor,
रैंडमनेस फैक्टर। दूसरा लिखो, एनी प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, एनी प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी, एनी प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी। ब्रैकेट में लिखो ई फैक्टर, एनर्जी फैक्टर, ओके, एनर्जी फैक्टर। थर्ड पॉइंट लिखो, इफ रैंडमनेस फैक्टर एंड एनर्जी फैक्टर, इफ रैंडमनेस फैक्टर एंड एनर्जी फैक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इफ रैंडमनेस फैक्टर एंड एनर्जी फैक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, then both will decide whether process is spontaneous or not, both will decide whether process is spontaneous or not। but agla point when randomness factor and energy factor, when randomness factor and energy factor are in opposite direction, then process will be spontaneous or not, process will be spontaneous or not, it will be decided by a stronger factor, it will be decided by stronger factor। Next point, the resultant of randomness factor and energy factor, the resultant of randomness factor and energy factor is called driving force for spontaneity of process, the resultant of randomness factor and energy factor is called driving force for spontaneity of any process। अच्छा देखो, एक हल्के फुल्के अंदाज में हम आपके सामने लिख रहे हैं कि भाई ये रिएक्टेंट है, ये अपने आप को प्रोडक्ट में बदला, कोई भी प्रोसेस है, ठीक है, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन, कुछ भी होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो। अब देखना, इसमें पहला आर का डायरेक्शन राइट है, ई का भी डायरेक्शन राइट है, बोलो एनर्जी किसका ज्यादा, डायरेक्शन एरो देख के बताना, एनर्जी किसका ज्यादा है, हम आपसे जो पूछते हैं आपके दिमाग में वही जाना चाहिए। देखो सुनो ध्यान से, क क्या बोले, दिमाग में खाने का गया, जब हम तुमसे एनर्जी बोल रहे हैं तो एनर्जी देख, समझा, किधर है, उधर, तो उधर वाले का एनर्जी ज्यादा है कि कम है, तो बोलता ज्यादा है। अरे यार, ई फैक्टर तो उस डायरेक्शन में है ना जिधर एनर्जी घटता है, नहीं पढ़ा, पढ़ा, तो ई घटता है, प्रोडक्ट कम एनर्जी का है, रिएक्टेंट ज्यादा का, करेक्ट। आर का डायरेक्शन देख लो, बताओ किसका रैंडमनेस ज्यादा है, प्रोडक्ट का, आर का डायरेक्शन होता है जिधर रैंडमनेस बढ़ता है, करेक्ट, तो दोनों तो चाहता है दोनों डायरेक्शन को स्पॉन्टेनियस करना, क्या बोलते हो, सही है, तो क्या इसका ड्राइविंग वाला जो इफेक्ट है वो भी फॉरवर्ड होगा, तो कहानी लिखोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस, बोलो सही है,
दूसरा देखो, आर इधर है और ई इधर है और एरो का लेंथ उसका स्ट्रेंथ बताता है कौन कितना मजबूत है। तो बताओ भाई, रैंडमनेस किधर ज्यादा? प्रोडक्ट का रैंडमनेस ज्यादा, एनर्जी किसका ज्यादा? प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा, एनर्जी कम किसका? रिएक्टेंट का। तो अपने से दिमाग लगाओ, बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। कारण क्या है? एनर्जी वाला बड़ा, एनर्जी ज्यादा बैकवर्ड को स्पॉन्टेनियस था, रैंडमनेस ज्यादा फॉरवर्ड को स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इस केस में आप बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ गए? ठीक है, हाँ आप ये भी बोल सकते हैं इसके जगह पे बैकवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस। ओके, आप दोनों में से कुछ बोलो। और ये तीसरा आप खुद से लिखिए, हम जो लिखा रहे हैं उसको आप खुद से लिखिए। आर है, ई है, अपने से नीचे लिखिए, नोट कीजिए बेटा। देखिए एक्चुअली हम लोग एक टर्म सीखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। आप कोई भी सिस्टम से जब एनर्जी विड्रॉ करते हैं ताकि कुछ अपना यूजफुल काम कर सके, जैसे बैटरी लगाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, ट्रांजिस्टर बजाते हैं, मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो जाता है, करेक्ट? मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल का ही कोरोना बेचारा का डिस्चार्ज। ठीक है, मोबाइल सस्ता सही है। अब देखो इसमें लॉजिक क्या होता है, जब आप बोलते हैं कि वाकई में आपका मोबाइल अगर डिस्चार्ज हो चुका है तो क्या उसका बैटरी का एनर्जी जीरो हो गया? कुछ ना कुछ है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, मोबाइल अपने से ऑफ हो, करेक्ट है? कुछ ना कुछ है उसी समय, उसके अंदर कुछ एनर्जी है। इवन जब आप अपना पेन फेंक रहे होते हैं कि नहीं सर ये खत्म हो गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ ही बचा हुआ, आप यूज नहीं कर पा रहे। ठीक, घर का गैस सिलेंडर खाली हो गया, भराने ले जाए, उस समय भी उसमें कुछ गैस है बट आप यूज नहीं। इसका मतलब है कि एक सर्टेन लेवल से कुछ सर्टेन लेवल तक ही जो उस सिस्टम का एनर्जी घटा उसको आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पाए। जैसे आपका बैटरी दिखाया 100% चार्ज, फिर जिस दिन 100% चार्ज दिखाया 100% चार्ज, जब डिस्चार्ज होकर जीरो दिखाया ना, तो जीरो के अलावा भी कुछ एनर्जी अपने अंदर रखा है वो तुमको देगा। तो जो 100 से लेकर जीरो तक का बात कर, देखो जीरो एक्चुअली इज नॉट जीरो, ओके? उस समय भी वो अपने पॉकेट में कुछ एनर्जी बचा के रखा है, वो आपको नहीं दे रहा। तो वो जो एनर्जी का डिक्रीज है सिस्टम का, जिसको आप अपने यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं, उसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। बात समझे? जिस एनर्जी सिस्टम से जो हम यूजफुल वर्क विड्रॉ करते हैं कहीं, उस एनर्जी का कितना वैल्यू डिक्रीज हम यूजफुल वर्क में निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी। जैसे आप मान लीजिए घर का है ना गैस जलाएं और वहां पे है ना पानी गर्म करने के लिए उस पे है ना एक बर्तन चढ़ा दिए, पानी चढ़ा दिए, तो गैस जल रहा है वहां पे, उसका हीट निकल रहा है, लेकिन क्या पूरा हीट केवल आपके उस बर्तन के पानी को गर्म कर रहा है? कुछ लॉस है। तो आप यूजफुल वर्क में जो कन्वर्ट कर पा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। गिब्स फ्री एनर्जी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू यूजफुल वर्क। सिस्टम के एनर्जी का डिक्रीज जिसको आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं उसको गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये याद रखना, बार बार हम बात बोल रहे हैं इसमें सिस्टम, चलो लिखो करो जो आंसर बोले। That energy of any system, that energy of any system, that energy of any system which can be decreased, that energy of any system which can be decreased
which can be decreased, whose decreased value, which can be decreased, नहीं लिखो, whose decreased value can be converted into useful work, whose decreased value, that energy of any system whose decreased value can be converted into useful work, can be converted into useful work is known as Gibbs free energy, is known as Gibbs free energy. ठीक है, नीचे लिखना, मैथमेटिकली इट इज इक्वल्स टू, मैथमेटिकली इट इज इक्वल्स टू एंथैल्पी माइनस, एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट ऑफ, एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट ऑफ absolute temperature and entropy of system, absolute temperature and entropy of system, and entropy of system. मतलब मैथमेटिकली आप लिखते हैं g is equals to h minus ts. अब देखो बार बार एक ही बात आता है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, एब्सोल्यूट कैलकुलेशन है ना लगभग ऑलवेज विद सम एरर है, तो हम लोग इस पे रिलाई करते हैं चेंज. तो जैसे आप जी लिखे हैं, आप इसमें डेल जी विल बी इक्वल्स टू डेल एक्स माइनस टी डेल एस लिखते हैं, डेल जी विल बी इक्वल्स टू डेल एक्स माइनस टी डेल एस, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि आप जब गिब्स फ्री एनर्जी का डिस्कशन करते हैं तो वो सिस्टम का प्रॉपर्टी है, तो इसमें जो डेल एच आप देख रहे हो वो भी सिस्टम का है और जो आप डेल एस देख रहे हो वो भी सिस्टम का है. कहने का मतलब है फॉर सिस्टम डेल जी विल बी इक्वल्स टू डेल एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल एस ऑफ सिस्टम, डेल जी जो है वो डेल एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल एस ऑफ सिस्टम, इसको रिलाई करता है. ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनिए और चीजों को समझिए. आप जब किसी सिस्टम में बात करते हैं आपको पता चलता है कि वहां पे दो ऐसा पैरामीटर है जो स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड कर रहा था. अभी आप थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे एनर्जी फैक्टर एंड रैंडमनेस फैक्टर, आपको पता चल रहा है कि ये जो एंथैल्पी स्टैंड करता दैट इज फॉर एनर्जी फैक्टर और जो डेल एस स्टैंड करता दैट इज फॉर रैंडमनेस फैक्टर. ठीक है, यहां पे इस डेल जी का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जरा गौर से देखते चलना. क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल एस टोटल विल बी इक्वल्स टू डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग, करेक्ट है? अच्छा एक चीज और, अगर हम लिखते हैं डेल एस ऑफ सराउंडिंग तो क्या हम लिख सकते हैं डेल एच ऑफ सराउंडिंग बाय टेम्परेचर? बोलो. ठीक है, अब यहां से देखना, क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल एच ऑफ सिस्टम बाय टेम्परेचर? अरे सराउंडिंग हीट लॉस करेगा तो सिस्टम गेन करेगा, अगर सराउंडिंग गेन करेगा तो सिस्टम लॉस करेगा. एक माइनस तो लगना ही है, एक लॉस करेगा तो दूसरा गेन, दूसरा लॉस करेगा पहला गेन, करेक्ट है? तो ये माइनस लगना, मतलब जहां डेल एच ऑफ सराउंडिंग है वहां ये वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है, सो डेल एस टोटल इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो डेल एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल एच ऑफ सिस्टम बाई टी. समझ आ रहा? अब आगे बढ़ो. सो डेल एस टोटल विल बी इक्वल्स टू, टी से मल्टीप्लाई करो, टी ऑफ डेल एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल एच ऑफ सिस्टम बाई टी, करेक्ट है? ये टी लेफ्ट में भेजिए, टी टाइम्स ऑफ डेल एस टोटल इज इक्वल्स टू टी ऑफ डेल एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल एच ऑफ सिस्टम, करेक्ट?
राइट हैंड साइड को गौर से देखो, क्या वो माइनस डेल जी है? डेल जी देख लो उल्टा है, तो आप इसको लिख सकते हैं टी ऑफ डेल एस टोटल विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल जी, या आप ऐसे रिलेशन याद रखिए, और डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल एस टोटल, करेक्ट है? डेल एस डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल एस टोटल, माइनस टी डेल एस टोटल, समझ में आ रहा है ये रिलेशन। एक और रिलेशन है वो आगे हम आपको बता देंगे, कोई ऐसे लिख देते हैं ये बहुत काम में आने वाला है। वर्क यूजफुल जो आप किसी भी सिस्टम से निकालते हैं, वर्क यूजफुल जो आप किसी सिस्टम से निकालते हैं, दैट इज ऑलवेज डेल जी, डेल जी नेगेटिव ऑफ डेल जी, ठीक है? किसी भी सिस्टम से जो आप वर्क यूजफुल निकालेंगे वो गिब्स फ्री एनर्जी के डिक्रीज्ड वैल्यू के बराबर, तो आप जो भी डेल जी निकालते हो उसका जो नेगेटिव वैल्यू है वर्क यूजफुल के बराबर। तो तीन रिलेशन है आपके पास, लेकिन मेन सबसे मेन रिलेशन है ये, आप किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी का डिसीजन दो तरीके से, एक होता है डेल एस टोटल, आप लास्ट पढ़े थे अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल एस टोटल का साइन पॉजिटिव, तो क्या डेल जी होगा? नेगेटिव। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल एस टोटल नेगेटिव, तो क्या डेल जी होगा? पॉजिटिव। तो आप अगर देखो ध्यान से तो प्रोसेस यहां लिख रहे हैं उसके लिए डेल एस टोटल का साइन और फिर डेल जी का साइन, ठीक है? तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तो डेल एस टोटल पॉजिटिव, डेल जी नेगेटिव। प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस डेल एस टोटल नेगेटिव, डेल जी पॉजिटिव। और अगर प्रोसेस है हम लोगों के पास इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम ओके रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम करेक्ट, तो डेल एस टोटल डेल जी जीरो, ठीक है? तो ये तरीका होता है जहां आप गिब्स फ्री एनर्जी का यूज करते हैं टू डिसाइड वेदर दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। सुनिएगा बहुत ध्यान से, डेल एस टोटल से स्पॉन्टेनिटी का डिसीजन केवल रैंडमनेस पे आंसर देता है, सही है? और वो रैंडमनेस किसका होता है? डेल एस टोटल किसका होता है? सिस्टम का, सराउंडिंग का, या यूनिवर्स का? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का रैंडमनेस अगर बढ़ा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, लेकिन आप इस लाइन में डेफिनेटली कभी ये नहीं सोच पाइएगा कि सिस्टम का एंट्रोपी का क्या, सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ा सराउंडिंग का ज्यादा घट गया तो दोनों का जोड़ेंगे तो टू माइनस आ जाएगा, समझ रहे? जब आप डेल जी पे बेस्ट होके आंसर देने का कोशिश करते हैं तो डेल जी में दो फैक्टर एक साथ, एनर्जी और रैंडमनेस, और बहुत डिसाइडिंग है कि आपको केवल सिस्टम देख के आंसर देना पड़ता है, सराउंडिंग से इसको कोई मतलब नहीं, केवल सिस्टम देख, डेल एच और डेल एस। तो जो आगे आप पढ़ेंगे ना वो इन सबका एक मिक्स्ड बैग होगा, हाँ? मतलब जो सिस्टम पे केवल ध्यान लगा के आप प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं, आप इसके बेसिस पे केवल सिस्टम देख के आंसर नहीं दे सकते, आपको सराउंडिंग के बारे में सोचना होगा। हम बोलते हैं एक कप ऑफ चाय, ठीक है, करेक्ट? अब बताओ वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। आपको कैसे पता चला कि वो कप ऑफ चाय जो लिए है, टी जो लिए है, वो हम ऐसी जगह पे रखे हैं जहां उसका टेम्परेचर कम है? आपको सराउंडिंग पता होना चाहिए ना, तब आप डिसाइड कर पाइएगा कि वहां से हीट निकलेगा कि नहीं। अब आप समझ गए, खाली रैंडमनेस में सोचिएगा फंस जाइएगा। लेकिन जब हम लोग इंथैल्पी, सॉरी, जब हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी में जाएंगे तो हम लोग उसी कप ऑफ टी का इंथैल्पी सोचेंगे और एंट्रोपी सोचेंगे और आंसर मिल जाएगा वो सराउंडिंग से गुणा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट करो या फिर लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझना। डेल एच ऑफ सिस्टम का साइन
जी कंडीशन ध्यान से पॉजिटिव 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 थोड़ा सस्पेंस बरकरार रखा जाए पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोर्ड पे कौन एक लेटर नहीं लिखा हुआ है जो इक्वेशन तो अभी पढ़ा था इक्वेशन में जीरो का पढ़ा डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एन पढ़ा था कौन एक लेटर नहीं लिखा टी कंडीशन अच्छा आप लोग मेरा हिंदी समझते हैं ठीक तो बाद में पहले हिंदी ठीक है तो जो इक्वेशन था डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस उसमें से कौन यहाँ नहीं है और सब खेल वही खेल रहा है आप ये भी बात समझिए मिस्टर इंडिया टाइप ओके जैसे जैसे देखो इस रूम में मतलब हम रूम का कुछ भी टेम्परेचर कुछ बदल सकते ओके इस रूम में एक आइस रखें आइस पानी बनेगा ये कौन डिसाइड इस रूम का टेम्परेचर अगर इस रूम का टेम्परेचर जीरो से ऊपर है तो पिघलेगा अगर रूम ही जीरो के जगह -4 डिग्री है तो और कठोर होगा और सॉलिड होगा करेक्ट अब देखिए हम जो लिख रहे हैं ना हम उसके लिए इक्वेशंस भी अलग से लिख देते हैं ताकि आपका दिमाग उस पे बना रहे डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस आप इसी को देख के सब चीज का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा ठीक है अगर मेरा डेल एच का साइन पॉजिटिव है अगर मेरे डेल एच का साइन पॉजिटिव है डेल एस का भी साइन पॉजिटिव है तो हायर टेम्परेचर में नेगेटिव वाला टर्म बड़ा हो जाएगा और लोअर टेम्परेचर में पॉजिटिव वाला टर्म बड़ा हो जाएगा बोलो सही है ठीक से समझिए ये प्लस है ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा अगर टेम्परेचर बहुत बड़ा ले लोगे तो ये माइनस वाला टर्म बड़ा हो जाएगा तो डेल जी नेगेटिव आ जाएगा और अगर टेम्परेचर कम रखोगे तो नेगेटिव वाला टर्म छोटा आएगा पॉजिटिव वाला बड़ा है तो डेल जी कैसा आ जाएगा तो प्लस प्लस में प्लस भी हो सकता है प्लस प्लस में माइनस भी हो सकता है दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर अगर हम बात करें प्लस का तो लो टेम्परेचर सही है ना और अगर माइनस का बात करें तो हाई टेम्परेचर बात यही हो रहा है मतलब अगर हमारा एंथैल्पी ऑफ सिस्टम पॉजिटिव है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम पॉजिटिव है तो लो टेम्परेचर पे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस लेकिन हाई टेम्परेचर पे वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस लो टेम्परेचर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मेरी बात समझ में आ रही है ये समझ में आया जैसे इस रूम में तुम्हें एक आइस रख दिया समझ ना कितना इजी आइस के पिघलने का कॉन्सेप्ट सोचो हीट गेन करेगा डेल एच पॉजिटिव बर्फ लिक्विड बनेगा एंट्रोपी बढ़ेगा डेल एच पॉजिटिव अब अगर रूम का टेम्परेचर कम है तो नहीं पिघलेगा समझ पाया रूम का टेम्परेचर मान लो जीरो से कम तो नहीं पिघलेगा मतलब प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस और वही रूम का टेम्परेचर अगर जीरो से ज्यादा है जैसे अभी हम बैठे तो हाई टेम्परेचर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस पिघलेगा
क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, खेल यही चलता, ध्यान रखना। अब डेल एक्स है पॉजिटिव और डेल एस है निगेटिव। देख भाई ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव आया, तो माइनस माइनस मिलकर भी प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम कुछ भी कर लो, सर पटक लो, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, समझा? इसका मतलब समझते क्या है? इसका मतलब सुन, मतलब इसका मतलब है कि डेल एच का जो पॉजिटिव आना मतलब हीट गेन हुआ, और डेल एस निगेटिव आना मतलब रैंडमनेस घट भी गया। अरे यार दोनों चाहता प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नहीं समझा? हीट गेन हुआ, एनर्जी बढ़ा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। रैंडमनेस भी घट गया, डेल एस निगेटिव, वो भी नॉन स्पॉन्टेनियस। जब दोनों चाहता है नॉन स्पॉन्टेनियस, हाउ इट कैन बी स्पॉन्टेनियस? सो ऑलवेज नॉन। ठीक है, अब ये तीन चीज लीजिए, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, फिर वही टी खेलेगा खेल। या माइनस है या माइनस है तो ये प्लस है, समझ गए? आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे प्लस वाला बढ़ जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर घटाओगे प्लस वाला घट जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आप अगर पॉजिटिव लिख रहे हैं मतलब हाई टेम्परेचर प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और लो टेम्परेचर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और यहां देखो कौन एक्सप्लेन कर रहा आप में से? डेल एच निगेटिव क्या चाहता है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। डेल एच पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो ये तो हमेशा ही चाहता प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, सो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। क्या कोई दिक्कत? ये समझदार, तो चीजें इस तरीके से चलती हैं। और ये तुम्हारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको एकदम दिमाग में बैठा कर रखना। मेन बात में सारा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस चीज एक बार में लिख देना चाहते हैं। एक बार हम लोग डिसीजन लिए थे डेल जी और डेल एस टोटल के साइन से, हम फिर से एक बार लिख रहे हैं। अगर स्पॉन्टेनियस है तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये देखो डेल एस टोटल का बेसिस पे है, और ये देखो ये सिस्टम के बेसिस पे, करेक्ट है? नोट करो कुछ, चलिए यहां के बाद थोड़ा लास्ट टर्म देख लीजिए। फॉर एनी बैलेंस रिएक्शन, मान लीजिए आपके पास कोई एक बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है, आप इसको लिख दिए ए ए प्लस बी बी एरो सी सी एंड डी बी लाइक दैट। तो हम इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना सीखे। दो तरीका था, एक था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे और एक था बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे। ठीक है, तो एक एक करके हम आपके सामने एक तरह से रिकैप भी मान लो। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो हम लोग पढ़े थे समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, और अगर यही स्टैंडर्ड केस में होगा तो नॉट लग जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग इसमें सीखे थे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज समेशन ऑफ एंथैल्पी, सॉरी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी किसका था पहले? रिएक्टेंट का, माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का। अब इसी में दो चीज और जोड़ ले, अगर आप ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकालना चाहेंगे, पूरे रिएक्शन में कितना चेंज इन एंट्रोपी है, दैट इज entropy of formation of product minus entropy of formation of reactant। ठीक है, entropy of formation of product minus entropy of formation of reactant। अब अगर ये डेल एस रिएक्शन मेरा पॉजिटिव आया,
प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अगर नेगेटिव आया नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो आ गया इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? अगला डी, डेल जी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का डेल इज नथिंग एल्स बट सिंपली समेशन ऑफ चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप इसको यूज करें, ठीक है। इसका भी वही कारण है, अगर आप डाटा यूज करेंगे और आपका डेल जी ऑफ रिएक्शन अगर पॉजिटिव आ गया, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस, जीरो आ गया तो इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन दोनों के यूज में इसमें आपको पता है किसका वैल्यू जीरो लेना है, जो भी अपने एलिमेंट्री स्टेट में रहेगा या फिर स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना लेना है, जीरो। बॉन्ड एनर्जी में नहीं होता, जो रहता उसको आप लेके चलिए। जब हमारे पास एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी का बात आता है तो इसका एकदम सिंपल सा चीज रहता है, जिसका डाटा अवेलेबल नहीं है वो जीरो, क्योंकि टेम्परेचर बदल देने से जो डाटा आज नहीं है वो कल हो जाएगा। मान लो जैसे किसी एक्स का T1 टेम्परेचर पे एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन जीरो है, तो T2 टेम्परेचर पे एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं है। बात समझ गए? इसलिए आप कुछ को सर्टेनली नहीं लिख सकते कि इसको जीरो ले लेना। तो मान लीजिए उसमें सपोज ए बी और डी का डाटा है, सी का नहीं, तो सी इज जीरो, ठीक है। कल कोई और क्वेश्चन बना रहे हो उसमें सी है डी नहीं है, देन डी इज जीरो, ओके। तो ये दोनों में इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं, ऐसे चीजें चलती है। कहीं कोई दिक्कत यहां तक चीज चारों को समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे लिखो, नोट कर उसको। आगे लिखिए थोड़ा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ का कहना है फॉर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। व्हाट है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, जानते हो? क्रिस्टलाइन है ना परफेक्ट सॉलिड कहलाता है, अमॉर्फस जो है स्यूडो सॉलिड कहलाता है, मतलब झूठा सॉलिड। आपको पता है ये ग्लास भी एक अमॉर्फस है, ठीक है, ये झूठा सॉलिड है, ये एक्चुअली सुपर कूल्ड लिक्विड है, बहुत ज्यादा ठंडा किया हुआ लिक्विड है, और लिक्विड और बाय कहने तो आप अगर बहुत ज्यादा दिन तक है ना ग्लास विंडो देखते हैं ना, बहुत सारा बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन है, वो नीचे में ठीक हो जाता, मोटा हो जाता, बहुत दिन तक ग्लास विंडो ऐसे लगा रहेगा तो नीचे में मोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर वो परफेक्ट सॉलिड होता तो कभी नीचे मोटा नहीं होता, जैसे था वैसे रहता। एक्चुअली वो लिक्विड है, वर्टिकल आप रख दिए तो धीरे-धीरे फ्लो कर ही रहा है बाय नेचर। तो देखो सॉलिड एक्चुअली दो तरह का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो परफेक्ट सॉलिड कहलाता है, और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर आप परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का बात करते हैं, मतलब आप परफेक्ट सॉलिड का, तो आप जब जीरो केल्विन पे जाएंगे, एब्सोल्यूट जीरो पे जाएंगे, एब्सोल्यूट जीरो समझते हैं, का फ्रिज के अंदर, मतलब -273 केल्विन, जीरो सॉरी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जीरो केल्विन, करेक्ट। तो वहां पे सारा का सारा मॉलिक्यूलर मोशन सीज्ड हो जाता है, कोई नहीं मूव करेगा, सब रुक गया। इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ दैट सब्सटेंस बिकम्स जीरो। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बताता है कि फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट जीरो केल्विन और एब्सोल्यूट जीरो, एंट्रोपी इज जीरो। उसका एंट्रोपी कितना रहेगा? जीरो। उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, एंट्रोपी, क्लियर? देखो नीचे स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ for any perfectly crystalline substance, entropy will be zero at absolute zero. Entropy will be zero at absolute zero.
एंट्रोपी विल बी जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। आगे सुन, एक और लॉ है दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सुनना कितना इजी लॉ दिया गया है, भले आपको समझ में नहीं आता। मान लीजिए ए और बी और सी तीन सब्सटेंस है अलग अलग टेम्परेचर, ठीक है, देखना कितना बच्चा वाला बात, जीरो वाला। ए और बी को टच में लाया गया, ठीक, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम जिसको हम लोग कहते हैं, जो हीट वीट गेन ऑन करना था हो गया। अब फिर बी को सी के साथ टच किया गया, वहां भी थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, तो ए और सी को जब टच करेंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, ए बी सी, अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी आपस में भी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, हीट एक्सचेंज नहीं करेगा का मतलब होता है टेम्परेचर से, बोलचाल की भाषा में थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री वाला भाई भरकम पड़, उससे इजी वर्ड हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। अब हीट एक्सचेंज क्यों नहीं करेगा, टेम्परेचर सेम, तो अगर ए और सी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, तो ए भी का भी तो टेम्परेचर सेम है यार, नहीं समझा, दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। नीचे लिखो जीरोथ लॉ में लिखना, इफ ए इज ए कैपिटल ए, इफ कैपिटल ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, if a is in thermal equilibrium with c comma b is in thermal equilibrium with c, b is in thermal equilibrium with c, then a and b, then a and b are also in thermal equilibrium, A and B are also in thermal equilibrium, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, this is more than sufficient। एक चीज हम जिसको छोड़ के रखे हैं, that is Born-Haber cycle, और वो अगले दिन पढ़ेंगे, उसके लिए necessary है कि आप सारा enthalpy अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। Next is the class।